बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि ये जो उपलब्धि मिली है इसके पीछे अजमेर का बहुत बड़ा हाथ है। मैं बचपन से अजमेर किशनगढ़ में ही रहा हूँ, अजमेर में मेरी पढ़ाई हुई है मयूर स्कूल में, तो मैं आप सभी के बीच का ही हूँ, मैं बाहर का नहीं हूँ। और आप सभी ने मुझे काफ़ी प्रोत्साहित किया कि मैं इस तरफ बढ़ूँ, तो मैं कहना चाहूँगा बाकी जितने भी लोग विद्यार्थी यहाँ पे मौजूद हैं जो चाहते हैं कि आगे सिविल सेवा में अपने अपने आप को बढ़ाएं, वह बिना निसंकोच होके आगे बढ़ें। और जो भी किसी भी प्रकार की आपको गाइडेंस या मेंटरशिप चाहिए, यहाँ पे सर श्री हैं, मैं जितनी मदद कर सकता हूँ, रवि सर हैं, सब आपके लिए यहीं उपस्थित हैं। मैं आपको पहले ब्रीफ में बता देता हूँ कि एग्ज़ाम किस तरह का है, उसमें क्या क्या भाग होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसमें आपको इंश्योर करना होता है कि आप सही उत्तर को अंकित कर रहे हैं। तो इसके लिए जनरल स्टडीज़ की जो प्रिपरेशन है वो आपको न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जो अपन रोज अभी एनसीईआरटीज़ पढ़ रहे हैं, इसके थ्रू करनी होती है। और इसके अंदर काफ़ी लोग, जैसे अगर 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है तो उसमें से 10,000 लोग अगली परीक्षा के लिए चुने जाते हैं। अगली परीक्षा जो है वो प्रीलिम्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है सीसेट एग्जामिनेशन, जो कि रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो भी अपनी 10वीं तक की मैथ्स है उससे रिलेटेड होता है। तो उसमें भी आप इंश्योर करें कि अभी से आप जो लॉजिकल रीजनिंग है उसके अंदर अपने आप को अच्छा रखें। मेंस परीक्षा की तरफ अगर अब हम आते हैं तो मेंस परीक्षा काफ़ी बड़ी और एक मैराथन की तरह होती है, जिसे आप कह सकते हैं। इसमें आपको अपना एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, वैकल्पिक विषय चुनना होता है। मैंने एंथ्रोपोलॉजी चुना था। आपको जिस भी विषय में इंटरेस्ट है या उससे रिलेटेड आपको पढ़ने में मज़ा आता है आप उसको चुन सकते हैं। सर का वैकल्पिक विषय हिंदी लिटरेचर हुआ करता था, तो इनका वैकल्पिक विषय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, तो आप भी अपना वैकल्पिक विषय चुन सकते हैं। उसके अलावा जनरल स्टडीज़ सामान्य ज्ञान के 4 पेपर होते हैं और एक निबंध का पेपर होता है। तो इन सभी पेपर में आपको ये इंश्योर करना है कि आप अबव एवरेज अगर परफॉर्मेंस कर पाएँ तो आपका सिलेक्शन एक तरह से निश्चित है। तो आपको जो अभी आप करंटली पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटीज़ पढ़ रहे हैं, उसको अगर अपन अच्छे से पढ़ेंगे तो आगे के लिए जो फाउंडेशन है, जो नींव है, बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है, हम जब वापस सिविल सेवा की तैयारी के लिए जाते हैं तो हमें शुरुआत एनसीईआरटी से ही करनी होती है। तो अभी से अगर आप मन लगाकर अपने अध्यापकों को परेशान करते हुए पूछें सवाल, तो आपको उससे काफ़ी ज्ञानार्जन होगा, आप सीखेंगे और यही चीज़ आपको बाद में काम आएगी। इंटरव्यू में आपको जो प्रिपरेशन करनी होती है वह काफ़ी ही रोचक होती है, काफ़ी इंजॉयबल होती है, क्योंकि आपको अपने जो पास्ट है, एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपको भर के यूपीएससी को देना होता है, जिसमें आप अपना पास्ट, आपने स्कूल में क्या शिक्षा प्राप्त की, आपकी क्या हॉबीज़ हैं, आप क्या क्या चीज़ पसंद करते हैं, आपको क्या क्या अवार्ड्स या रिकॉग्निशन, फेलोशिप मिले हैं, उसके बारे में आप उनको बताते हैं। तो ये एक तरह से हम इंटरव्यू पैनल को ये जताना चाह रहे हैं कि हमें इन सब के बारे में काफ़ी अच्छे से पता है, तो आप इसमें कुछ भी सवाल हमसे पूछिए तो हम उसको बड़े ही अच्छे से आपको जवाब दे पाएंगे। तो एक एस्पेक्ट हो गया, और दूसरा एस्पेक्ट होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का मतलब अभी जो चल रहा है अपने देश में, समाज में या विदेश में, जिसकी कहीं ना कहीं अपने कंट्री पे या अपने ऊपर कोई ना कोई एक बियरिंग होती है, एक इफेक्ट हो सकता है। तो करंट अफेयर्स और डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म का जो मिला जुला आपकी तैयारी रहेगी, उस पर किसी भी तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। मैं अगर अपने इंटरव्यू के कुछ सवाल आपसे रूबरू करना चाहूं, तो जैसे ही मैं इंटरव्यू के अंदर घुसा तो मुझे भोसले सर जी का बोर्ड आया था। तो उस बोर्ड में सर ने मुझसे सबसे पहले सवाल पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि 30 मिनट में हम तुम्हारा भविष्य डिसाइड कर पाएंगे। तो ये सवाल सुन के मैं थोड़ा सा भौचक्का हो गया था, बट बिकॉज वो काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं, इतने समय से लोगों के इंटरव्यूज़ लेते आए हैं, इतने सारे लोगों के साथ उन्होंने काम किया है, तो वह कुछ ही क्षणों में समझ जाते हैं कि सामने वाला बंदा या बंदी कैसे हैं, वो किस तरह से आगे वाले अपने कार्य को वहन कर पाएंगे।
तो इस तरह के और सवाल पूछे गए। एक रोचक सवाल ये था जो मैंने कभी सोचा नहीं था मुझसे पूछा जाएगा, वह ये था, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके बेस्ट फ्रेंड की क्वालिटीज़ क्या हैं। जनरली आपसे आपकी क्वालिटीज़ तो पूछी जाती है, बट बेस्ट फ्रेंड की क्वालिटीज़ पूछना थोड़ा सा ऐसा था। उसको मैंने अच्छे से उत्तर दिया, बट जब उसका अगला फॉलो अप क्वेश्चन आया तो मुझे समझ में आया कि उन्होंने ये सवाल क्यों पूछा था। उन्होंने ये पूछा कि मान लो आपका बेस्ट फ्रेंड कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेता है, तो आपको किस तरह से उसे वापस मेन स्ट्रीम में लेके आएंगे, उसको टेररिज्म से छुड़वा के वापस समाज में लेके आएंगे। तो इससे ये समझ में आया कि उन्होंने वो सवाल क्यों पूछा था। तो इसी तरह के काफ़ी रोचक सवाल जवाब इंटरव्यू में होते हैं जो बहुत ही अपने आप में सीखने लायक हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे इतनी अच्छी रैंक मिलेगी, बट ये सब भगवान की कृपा है। अपने जितने भी गुरु अपने टीचर्स रहे हैं, उन्होंने अपने को जो सिखाया है उसी का नतीजा है कि जो भी हमें मिल रहा है वो हमारे सामने है। आपने इतने ध्यान से मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद। श्रेयांश ने अपनी कुछ बात कही आपसे, कुछ चीज़ें आपसे शेयर की। मैं रवि से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो थोड़ी सी देर में कुछ बातें अपनी कहें, और उसके बाद फिर हम ओपन फोरम इसको बना देंगे। आप में से कोई भी हाथ खड़ा करेगा और वो कोई भी सवाल किसी से भी पूछ पाएगा। तो मैं रवि से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कुछ बताए। कई बार गलतफहमी होती है कि ये एग्ज़ाम बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस होता है और इसमें तो बहुत बड़े बड़े लोगों का सिलेक्शन होता है, तो बहुत सारे लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ही नहीं आ पाते हैं, वो दूसरे एग्ज़ाम दे के वहीं सेट हो जाते हैं। तो डेफिनेटली एग्ज़ाम टफ है, बहुत कॉम्पिटिशन भी है, बट ऐसा नहीं है कि आप लोग तैयारी नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे मुझे ज़्यादातर दिख रहे हैं वो अभिभावक दिख रहे हैं, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनकी ज़्यादा दिख रही है, तो वो भी बच्चों को जाके आप डराना नहीं है कि बेटा इसकी तैयारी मत करो, पहले कुछ छोटी मोटी जॉब पकड़ लो उसके बाद इसकी तैयारी करना, ऐसा कुछ नहीं है। बैकअप रखना अच्छी चीज़ है, बट तैयारी करता रहे तो कोई बुराई नहीं है उसमें। जैसे श्रेयांश सर, श्रेयांश और निशांत सर और मेरे बहुत सारे बैचमेट हैं जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, हम भी बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हैं। तो जैसे मैं अपना एजुकेशन का बताता हूँ, मेरी स्कूलिंग टाउन में हुई, पहले दौसा में हुई, मैं राजस्थान से ही बिलोंग करता हूँ, फिर बांदीकुई में हुई, फिर जयपुर में हुई, फिर मैंने ग्रेजुएशन IIT दिल्ली से किया और उसके बाद मैं यहाँ सर्विसेज में आया। तो हमने भी छोटे छोटे टाउन्स में पढ़ाई करके, सर की भी एजुकेशन मेरठ में हुई सर, तो सर भी वहाँ से पढ़ के फिर आए। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो आप सब लोग क्वालिफाई कर सकते हो। दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ कि इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक दो साल की बहुत फोकस स्टडी हो, डीप स्टडी हो, उसमें कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं हो किसी भी तरीके के। जैसे आजकल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया मोबाइल फ़ोन, तो अगर एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो इससे जो हम व्हाट्सएप और फेसबुक से कनेक्शंस करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा माइंड थोड़ी देर डिस्ट्रैक्ट, हमें लगता है कि 5 मिनट के लिए डिस्ट्रैक्शन होगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट वापस उसी स्टेट में आना पढ़ाई की, उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है और फोकस वेस्ट हो जाता है। तो स्टडी करनी है तो जो नॉर्मल डिस्ट्रैक्शंस हैं फ्रेंड्स के या टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शंस हैं, उनसे एक दो साल के लिए बस दूर रहना पड़ेगा। बाकी एग्ज़ाम के बारे में तो बता ही दिया है, सिलेबस सब लोग देख ही सकते हैं नेट से, और इसके अलावा तो आपके क्वेश्चन आंसर सेशन में चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। अगर 1% आपके दिमाग में है कि मुझे IAS बनना है या मुझे अधिकारी बनना है, तो बनना है या नहीं बनना है, तो भी 2-3 बातें हैं जो आपको अभी से ध्यान रखनी है। एक तो आपको अपनी लैंग्वेजेस पर अच्छी कमांड रखनी है। यहाँ कुछ टीचर्स भी मुझे दिख रहे हैं, वो बार बार बच्चों को कहते हैं कि लैंग्वेज बेटा लैंग्वेज इम्प्रूव करो, है ना, पर बच्चे कहते हैं ठीक है मैडम ये तो हम तो कंप्यूटर पर टाइप कर लेते हैं, मोबाइल पे लैंग्वेज हैंड राइटिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं आपसे कहूँगा कि एक तो आपके पास 2 ही लैंग्वेजेस हैं, मैं फॉरेन लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा, हिंदी और इंग्लिश। तो जैसा कि श्रेयांश ने बताया कि दोनों का ही एग्ज़ाम होता है, दोनों को ही पास करना होता है, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को अच्छे से कमांड रखें अभी से ही। और लैंग्वेज के 4 स्किल्स होते हैं,
लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग और राइटिंग, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। तो ये चारों ही चीज़ें दोनों लैंग्वेजेस की आपकी परफेक्ट बढ़िया होनी चाहिए। कहीं कोई अच्छा आप YouTube पर इंटरव्यू सुन रहे हैं और वो आप कंप्रीहेंड ही नहीं कर पा रहे हैं, उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, या लिखने को आपको कह दिया जाए कि एक अच्छा राइटअप आप हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, तो दोनों में ही आप लिख पाएं, ऐसी क्वालिटी आपको 9 to 12 की जो ये क्लास का जो ग्रुप होता है ये बहुत ही बेसिक होता है, पूरी ज़िंदगी की नींव इन चार क्लासेस में रखी जाती है, ये आप लोग कर लीजिए। उसके अलावा एक चीज़ स्पेशली इन चारों स्किल्स में जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हर एग्ज़ाम में आपके काम आएगी, ना केवल UPSC, वो है राइटिंग स्किल। आपको कुछ कुछ लिखने को दिया जाता है स्कूल में, आपसे ऐसे लिखवाए जाते हैं, ऐसे का कंपटीशन होता है, उसको हम लोग कई बार बहुत लाइटली ले लेते हैं। तो आप लोग ऐसे पर अभी से ही लिखने का जो स्किल है, अगर आपको उस टॉपिक पर ज़्यादा नहीं भी आता तो भी आप कुछ तो लिखिए, तो आप लिखने का स्किल अभी से इम्प्रूव करके चलेंगे तो आगे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और तीसरी बात जो मुझे आपसे कहनी है, जो अभी शेजांस ने भी एक बात इशारा किया था कि NCERT की जो बुक्स आपके सिलेबस में अभी लगी हुई हैं, वो अभी हम लोग स्पेशली सबसे ज़्यादा नेगलेक्टेड हम करते हैं, हम सोशल साइंसेज को सबसे ज़्यादा बोरिंग या सबसे ज़्यादा, मतलब हम लोग मैथ्स पर साइंस पर तो ध्यान देते हैं, पर हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविल मतलब पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इन चारों को हम इग्नोर करते हैं और इन सब्जेक्ट्स को भी इग्नोर करते हैं, इनके टीचर्स को भी इग्नोर करते हैं, है ना। तो सोशल साइंसेस पे आपको ध्यान देना है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस पे, और हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इन पर अभी से आपको ध्यान देना है। और उसके साथ आप कोई भी एक अखबार पढ़ना शुरू कर दीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी जो भी आप कंफर्टेबल हों जिसमें, अभी आप जो अखबार पढ़ना है वो पढ़ें, बाद में जनरली जब आप UPSC की तैयारी करना शुरू कर देंगे तो आप द हिंदू सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, तो द हिंदू की ओर आप बाद में मुड़ जाइएगा। अभी कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि आपको पूरा ही अखबार पढ़ना है, आप लोकल न्यूज़ को छोड़ भी सकते हैं, पर नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स आर्ट एंड कल्चर ये आपको ज़रूर पढ़ना है। तो ये दो तीन बातें जो मैंने आपको बताई, एक लैंग्वेजेस वाली, एक सोशल साइंसेज वाली और एक राइटिंग स्किल वाली, अगर आप ये चीज़ें कर लेंगे तो इस समय यही है, दैट्स वॉट यू कैन डू, अभी आप यही कर सकते हैं, बाकी अभी इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, अभी 12th करना है अच्छे मार्क्स से, फिर ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएशन से पहले आप ये एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते, तो इसलिए अभी एकदम से बहुत आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ इतना ही करना है। थैंक यू सो मच, बाकी आप क्वेश्चंस जो चाहे वो पूछ सकते हैं। 3-4 IAS Academy and I really admire you. I'm from Kishanganj only. You must be knowing me. So which is the best IAS institute? Actually, मैंने कोचिंग वाजीराम एंड रवि इंस्टीट्यूट था, उससे ली थी। बाकी जितने भी आप देख रहे हैं, जो क्लेम कर रहे हैं, वहाँ पर मॉक इंटरव्यूज जो होते हैं, जो तीसरा सत्र होता है जिसमें इंटरव्यू लिया जाता है, उसमें जो मॉक इंटरव्यूज होते हैं, प्रैक्टिस इंटरव्यूज होते हैं, वो मैं देने के लिए गया था, इसलिए बाकी सब लोग क्लेम कर रहे हैं रैंक को, बट मेरी बेसिक कोचिंग बाजीराम एंड रवि से ही मैंने ली थी 1 साल के लिए। सर कितने साल मेहनत करी? ये मेरा पहला अटेम्प्ट था, 1 साल में मैंने पढ़ाई की और फिर 1 साल एग्जाम का टाइम था। सवाल निशान सर से है। सर हिंदी माध्यम का लगातार रिजल्ट खराब आ रहा है सर, तो सर इससे लगातार मानसिक दबाव भी बढ़ रहा है और उच्च रैंक की हमारी जो इच्छा होती है सर वो भी अच्छे से नहीं कर पाते, कि आगे बहुत कम रिजल्ट आ रहा है, इस कारण हम कम समझते हैं। और सर इसके अतिरिक्त एक और सवाल था कि सर मैं वैकल्पिक विषय राजनीति विज्ञान में तैयार कर रहा था, अब सर राजनीति विज्ञान से मैं कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, तो सर उसको कैसे तैयार करूँ? आपने दो बातें पूछी हैं, एक तो आपने कहा आप प्रोबेबली हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं इसलिए आपने ये सवाल पूछा है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हिंदी मीडियम का रिज़ल्ट UPSC में काफ़ी गिरा है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं रहा है, पर फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि उसके कुछ कारण हैं, जैसे कि कंटेंट अच्छा हमको नहीं मिल पाता, जैसे द हिंदू हिंदी में तो आता नहीं है, वो इंग्लिश में ही आता है, तो अगर आप इतना खुद को इम्प्रूव करें कि इंग्लिश से डरे नहीं, हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ एक बड़ी समस्या होती है कि वो इंग्लिश को बहुत हवा समझते हैं, इंग्लिश से काफ़ी डरते हैं, तो आप इंग्लिश से डरे बिना अगर
पॉलिटिकल साइंस का कंटेंट है, अगर आपको वो इंग्लिश में अच्छा मिल रहा है तो आपको उसको इंग्लिश में पढ़ सकें और फिर उसको हिंदी में लिख सकें, वो अगर आप स्किल डेवलप कर लें तो उतनी दिक्कत नहीं होगी। और रही बात इसकी कि रिजल्ट गिर रहा है तो हम कैसे तैयारी करें, ये तो आपको अपना मोटिवेशन लेवल खुद बना के रखना होगा। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था उस समय, उससे ठीक एक साल पहले 1000 में से सिर्फ 26 लोग सेलेक्ट हुए थे हिंदी मीडियम के, और मैंने जब एग्ज़ाम दिया उसके बाद मेरी 13th रैंक आई थी हिंदी मीडियम से। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको सबसे कंफर्टेबल लगता है और आपकी भाषा में उस ऑप्शनल का कंटेंट अगर अच्छा अवेलेबल है तभी उसको लें आप। अदरवाइज आप एंथ्रोपोलॉजी ले लें और हिंदी मीडियम में आप उसकी तो कोई बुक ही आपको हिंदी में नहीं मिलेगी। तो ऐसा ऑप्शनल आप मत लीजिए जिसमें बुक हिंदी में अवेलेबल ही ना हो, ठीक है। और उसके अलावा अपना मोटिवेशन लेवल बना के रखिए। और आईएएस के साथ साथ मैं तो ये भी कहूँगा कि ऐसा जो अभी बैकअप वाली बात कर रहे थे कि एक बैकअप ऑप्शन भी रखने में कोई बुराई नहीं होती है। आरएएस का एग्ज़ाम भी होता है राजस्थान में और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उनकी और भी अपन थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। पूरी प्रिपरेशन में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का कितना रोल रहता है, मतलब ये मैटर करता है कि मतलब ये कंपलसरी है क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना, या उसके बिना भी हो सकता है? मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक बेसिक फाउंडेशन के नोट्स बनवा के दे सकता है, उसके आगे की जो भी पढ़ाई है या उतनी भी पढ़ाई अगर आप एनसीईआरटी से कर लेंगे, ऑनलाइन काफ़ी फोरम्स अभी अवेलेबल हैं, तो आप नेट का अगर अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो वो भी आपको काफ़ी बेनिफिट कर सकता है। और उसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। कोचिंग अगर आप करेंगे भी तो दिन का 2 घंटा होगा, और उतने समय में मतलब बचा कुचा 22 घंटा अगर माने तो वो आप ही को मैनेज करना है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहेगा, जैसा कि सर ने भी कहा, कि अपने डिस्ट्रैक्शंस को आप जितना मिनिमाइज कर पाएँ, कम कर पाएँ, और जितना ज़्यादा फोकस स्टडी पे कर पाएँ, अपना प्लान बनाएँ, उसको अच्छे से फॉलो करें, एक एक सब्जेक्ट को इक्वल तवज्जो दें ताकि आप सब में अबव एवरेज परफॉर्म कर पाएँ, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोचिंग आई वुड से एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो आपको हेल्प तो करेगी, बट उसके बिना क्रैक नहीं कर सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो रैंक 2 अक्षत जैन आए हैं उन्होंने कोचिंग नहीं ली थी, तो मेरी जब उनसे बात हुई तो हम दोनों का यही मानना था कि कोचिंग आपको थोड़ी सी हेल्प कर सकती है, बट फाइनली आपको खुद को ही करना है। आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए कि हम किस हिस्से से उसको मतलब प्रॉब्लम को सोल्व करें। और दूसरा सर, एक सवाल ये भी था कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये अभी रिसेंटली 8 साल 9 साल या 6-7 साल के अंदर ही हुआ है। इससे पहले हिंदी मीडियम वाले भी लड़के लगभग सेलेक्ट हो ही रहे थे, उनके रेशो में इतना चेंजेस नहीं आया था। आपने पहला सवाल पूछा जॉब के साथ प्रिपरेशन का, तो मैंने भी पहले 2 साल जॉब की थी, उसके बाद जॉब छोड़ने के बाद प्रिपरेशन चालू करी थी। तो ये आपको देखना है कि आपकी स्थिति कैसी है। जैसे मेरा जो जॉब था वो 12 से 14 घंटे का काम मांगता था, तो मैं उसके साथ प्रिपेयर कर पाऊँ ये मुश्किल था, और मैं या तो प्रिपरेशन के अंदर अच्छा नहीं कर पाता या जॉब के अंदर अच्छा नहीं कर पाता। तो इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया था, रिस्क ली थी कि मैं जॉब छोड़ के प्रिपेयर करूँगा। तो आपकी कंडीशन, आपकी जॉब क्या डिमांड करती है, उसके अकॉर्डिंग आपको पर्सनल लेना पड़ेगा डिसीजन। मैं आपसे एक बात जरूर कहूँगा कि श्रेयांश ने बताया कि उन्होंने 2 साल जॉब की और फिर जॉब छोड़ के तैयारी की, तो आप ये अपनी ये वाला जो डिसीजन है ना, ये आप अपने फिनेंशियल कंडीशन के हिसाब से, घर की स्थिति के हिसाब से, मम्मी पापा से पूछ कर ही लेना। ऐसा ना हो कि अचानक किसी दिन नौकरी छोड़ के घर पे आके कहा कि मैं तो आईएएस की तैयारी करना, तो एकदम से नौकरी छोड़ने का जो डिसीजन है वो बहुत सोच समझ के आपको लेना है। और दूसरी बात, जॉब के साथ तैयारी वाली जो आपने पूछी है उसका मैं जवाब आपको देना चाहूँगा। मैं भी आईएएस में आने से पहले पार्लियामेंट में नौकरी किया करता था, 2 साल मैंने वहाँ पर नौकरी की है। और नौकरियाँ अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे जो श्रेयांश की नौकरी थी वो 12 से 14 घंटे की नौकरी थी, तो उस नौकरी के साथ ये संभव ही नहीं है कि आप उस नौकरी के साथ सुबह या शाम पढ़ाई कर सकें। उसके साथ तो बस आके आप अपने डेली के काम और सोना यही कर पाएंगे, तो इसलिए इनको नौकरी छोड़नी पड़ी। पर अगर आप ऐसी नौकरी करते हैं जिसमें 7-8 घंटे का समय आपको देना होता है, तो आप उसके साथ भी तैयारी कर सकते हैं। नौकरी का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि नौकरी से कॉन्फिडेंस आता है, एक सैलरी मिलती है, घर वालों को भी अच्छा लगता है, आपको भी कॉन्फिडेंस आता है।
तो नौकरी के साथ अगर आप कर सकें और वीकेंड पर भी तैयारी कर सकें और जब एग्ज़ाम का टाइम आए तो उस समय कुछ दिन के लिए छुट्टी ले सकें, इस तरह से अगर आप कर सकें तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। जैसे ये अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी लोगों का रहता है कि जॉब के साथ कैसे तैयारी करें। मैं भी पहले इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में था, नासिक में पोस्टेड था रेलवे में। तो जॉब के साथ अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब 10 से 6 की होती है, ज़्यादातर जॉब्स 10 से 6 की होती हैं। तो उसमें आप सुबह 4 बजे उठ के आराम से 4 से 8 अगर बजे तक पढ़ाई करते हो 4 घंटे सुबह, तो वो पढ़ाई आपको बहुत हेल्प करेगी। उसके कई रीजंस हैं। पहला तो ये, उस टाइम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, आपका माइंड बहुत फ्रेश रहता है। तो अगर 4 घंटे की आपकी सुबह पढ़ाई हो जाती है और जैसे 6 बजे ऑफिस ख़त्म होता है, 7 बजे तक आप घर आ जाते हो, उसके बाद भी 2-3 घंटे आप पढ़ाई कर सको, तो ये 6-7 घंटे पर डे की पढ़ाई अगर हो जाती है तो मोर देन इनफ है। इसमें आपको जॉब छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आपकी 8 घंटे की जॉब है तो। धन्यवाद। सर, राइटिंग स्किल कैसे इम्प्रूव करें सर, यही क्वेश्चन है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। अभी मैंने जब मैं बता रहा था कि आप अपनी पढ़ाई के साथ 9th-12th क्लास में अगर आप पढ़ते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि आप अपना राइटिंग स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं। राइटिंग स्किल का मतलब हैंड राइटिंग से नहीं है मेरा, हैंड राइटिंग एक अलग चीज़ है, वो तो आपको हमेशा पे करती ही है। टीचर्स हमेशा कहते हैं कि आप अच्छी हैंड राइटिंग में लिखो, क्लियर लिखो, लेजिबल होना चाहिए। पर राइटिंग स्किल की अगर हम बात करें, जैसा कि इन्होंने सवाल पूछा है, तो उसमें मैं एक दो बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक तो जब भी आप कोई भी टॉपिक या कोई भी एस्से या कोई भी राइटअप लिखते हैं तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इस टॉपिक का क्या बैकग्राउंड है, इस टॉपिक की शुरुआत कहाँ से हुई, उस पर एक पैराग्राफ आप लिखते हैं जिसको आप इंट्रोडक्शन बोलते हैं। उसके बाद आप उस टॉपिक को डेवलप करना शुरू करते हैं, उसके बारे में उसके प्रोज बताते हैं, उसके कॉन्स बताते हैं, उसके बारे में किसी की कोई कोटेशन आपको ध्यान आ रही हो कि उसके बारे में गांधी जी ने ये कहा है तो वो आप लिख सकते हैं वहाँ पर, या कोई किसी पोएट की कोई लाइन आपको ध्यान आ रही हो आपने वो भी लिख दी, तो आपने उसके उसके तरह तरह के आस्पेक्ट्स, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, साइंटिफिक, सोशल, इस तरह के सारे आस्पेक्ट्स आपने उस टॉपिक के लिखे। उसके बाद एंड में आपने एक उसका समरी दे दी एक पैराग्राफ में जिसको कंक्लूजन हम बोलते हैं। तो इस तरह से अगर आप लिखने की आदत डालोगे, जैसे एक तरीका है, जैसे मान लो मुझे माइक दिया गया कि आप इस टॉपिक पे बोलिए, तो मैंने एकदम से कुछ बोला अचानक से, फिर कुछ और ही बोल दिया, तो उनमें कनेक्शन नहीं हो पाया। अच्छा अच्छा राइटअप तब कहा जाएगा जब आप जो लिखें उसमें आपस में कनेक्शन हो, टू द पॉइंट आप एक एक करके लिखते चले जाएं पैराग्राफ वाइज और एंड में आप कंक्लूजन लिख दें तो उसे अच्छा राइटअप कहा जाता है। तो इसी तरह से अगर आप इस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में और सिस्टमेटिक तरीके से लिखने की आदत डालेंगे तो आप अच्छा राइटिंग स्किल डेवलप कर पाएंगे। जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं जिनका एम यूपीएससी है, तो सर उनके लिए अप्रोप्रिएट टाइम क्या रहेगा कि वो सर प्रिपरेशन स्टार्ट करे, क्या वो यूजी के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करे या यूजी कंप्लीट होने के बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करे? सर आपका प्रिपरेशन का मोस्ट ऑफ जो कंटेंट है वो यूजी के दौरान जो स्टैटिक पोर्शन रहता है आर्ट्स में वो रहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, वो रहेगा। और उसके अलावा आप करंट अफेयर्स जो रेगुलरली चल रहे हैं उसको आपको फॉलो करना है। तो जब भी आपने ये मन बनाया है कि मुझे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है, दैट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट डूइंग करंट अफेयर्स एटलीस्ट। और जैसे जैसे आपको समय मिलता है यूजी के साथ, आप बाकी सब्जेक्ट्स भी साथ में ही एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप यूजी देंगे, यूजी का फाइनल एग्ज़ाम देंगे, उसी के बाद आप यूपीएससी भी फाइट कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जस्ट अपना ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद ही यूपीएससी में पास हो जाते हैं, तो आप साथ साथ भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सर तो सर अपने यूजी के साथ साथ सर कोचिंग सेंटर रहेगा, मतलब कोचिंग आप यूजी के साथ ही करें सर या यूजी के बाद कोचिंग लें? क्योंकि सर एक तो जब कोचिंग के अंदर जो बैठे हैं सेंटर में, तो सर एक वहाँ पर सेकेंड अटेम्प्ट दे रहा है आईपीएस, मतलब जो स्टूडेंट है वो भी बैठा रहेगा और एक हम लोग भी रहेंगे, तो सर नोट मेकिंग के अंदर डिफरेंस आ जाता है सर कि एक उस लेवल का नोट बनाएगा और एक हम, तो सर कोचिंग सेंटर यूजी के साथ ही या फिर यूजी के बाद? आइडियली तो यूजी के बाद ही आपको कोचिंग करनी चाहिए,
क्योंकि आपको यूजी को भी अच्छे से बैलेंस करना है, ऐसा नहीं हो कि यूपीएससी के चक्कर में आपका यूजी क्लियर ना हो। तो कोचिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो यूजी के बाद ही लीजिए, बट यूजी के टाइम पे भी जो आपको समय मिल रहा है उसमें आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि जैसा आप बोल रहे हैं कि आपको एक आईपीएस पर्सन जो सेकेंड अटेम्प्ट दे रहा है उसके साथ भी फाइट करना है, तो आपके पास वो 3 साल 4 साल का अच्छा समय है जब आप अपना लेवल उस तक ला सकते हैं।